अस्सलाम वालेकुम। आज है शब-ए-बारात। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी लोगों को मेरी तरफ़ से शब-ए-बारात बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सूजी के सूखे हलवे की रेसिपी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा घी, देसी घी डाल रही हूँ। लगभग 2 टेबल स्पून के आसपास घी है ये। और इसमें मैं 250 ग्राम सूजी, यानी कि 250 ग्राम सूजी, उसको भूनूंगी। तो ये 500 ग्राम्स का पैकेट है, इसमें से हाफ सूजी मैं यहाँ पे ले रही हूँ और इसे भून लेंगे। और इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए अच्छी तरह से। तो इसको अच्छी तरह से घी में मिक्स करेंगे पहले, और उसके बाद हम इसे इस तरह से चलाते हुए और भून लेंगे। तो ये देखिए लगभग 5-6 मिनट मैंने इसको भूना है, और हाई फ्लेम पे भून रही थी मैं, अभी मैंने मीडियम फ्लेम कर दी है। तो ये हमारी सूजी रेडी हो गई है। हमें इसी तरह का कलर चाहिए सूजी का। सूजी को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, और यहाँ पर मैंने इस कप के नाप से 1.5 कप चीनी ली है, और इसमें मैं लगभग 1 कप पानी डालूँगी। थोड़ा सा और डालना है, और इसको हम चाशनी तैयार करेंगे इससे। और हमें इसकी एक तार वाली चाशनी ही चाहिए, 2 या 3 वाले तार वाली चाशनी हमें नहीं चाहिए इसके लिए। 6-7 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए 6-7 मिनट हो गए हैं, हमारी चाशनी बनके रेडी हो गई है। इसे एक बार चेक करते हैं, ये एक तार की बन चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच छोटी इलायची का पाउडर, और इसी के साथ मेरे पास पिंक कलर का फूड कलर है, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसे ऐसे ही बना सकते हैं, ये आपके पास जो भी कलर अवेलेबल हो। ऑरेंज कलर अक्सर होता है घरों में, वो आप ऐड कर सकते हैं। और ये मेरे पास 1 चम्मच इलायची का पाउडर है, छोटी इलायची का, वो मैंने डाल दिया है यहाँ पे। थोड़े से इसमें 2-3 ड्रॉप हम ये कलर की डालेंगे, और इसमें थोड़ी सी किशमिश डाल दूँगी मैं, और बाकी के ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम और काजू को हल्का पतला काट के मैं ऊपर से गार्निश करूँगी। तो हमने कलर ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें रेजिन ऐड करूंगी, किशमिश इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें जो हमने सूजी भून के रखी है वो ऐड कर लेंगे। और इसे मिक्स करेंगे फटाफट से, जल्दी से हम इसे मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया है इसे, और इसे जल्दी जल्दी चलाना है। और ये देखिए हमारा हलवा बनके रेडी हो गया है, और इसकी हम बर्फ़ी जमा लेंगे। यहाँ पे मैंने एक प्लेट में अच्छे से घी लगा लिया है, और उस पे मैं ये बर्फ़ी सेट करूँगी। जितनी मोटी आप इसे रखना चाहते हैं उस तरह से आप फैला लें इसे। अब हम इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे।
तो ये जो बर्फ़ी बनेगी एकदम सॉफ्ट सी बनेगी। ये मैंने बहुत हार्ड वाली बर्फ़ी नहीं बनाई है, हार्ड वाली बर्फ़ी जो है खाने में बहुत दिक्कत होती है, तो हम इसे थोड़ी सॉफ्ट बना रहे हैं। तो हमने इसके लिए एक तार की चाशनी बनाई थी और ज़्यादा ही हमने इसे हार्ड नहीं बनाना है। फ्रिज में सेट करने के लिए रख देंगे अब इसे हम। तो ये देखिए बिल्कुल ठंडी हो गई है, अब इसकी बर्फ़ी कट कर लेते हैं। मैं इसे बर्फ़ी की शेप में ही काट रही हूँ, आप चाहें तो डायमंड शेप में काट सकते हैं इसे। ये देखिए हमारी बर्फ़ी, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, बिल्कुल रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। ये देखिए हमारी एकदम सॉफ्ट वाली बर्फ़ी ये बनी हुई है। आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा मावा भी मिक्स कर सकते थे बनाते टाइम, लेकिन ये इसी तरह से ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ।